उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग अक्सर धर्म और आस्था के प्रति एक अलग ही रुचि दिखाते हैं और बुंदेलखंड में हमेशा धर्म और आस्था के प्रति लोगों का झुकाव रहता है, जिसमें धर्म के अनेकों कार्य लोग अपने अपने हिसाब से विभिन्न प्रकार से देवी देवताओं को मनाने के लिए या फिर यूं कहें कि अपनी मन की खुशी के लिए पूजा अर्चना करते हैं। झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं का एक जत्था माँ रतनगढ़ माता मंदिर के लिए रवाना हुआ, जो कि अपने सिरों पर वारी रखकर महिलाएं माता रानी के सुर मधुर गीतों को गाते हुए माता रानी के मंदिर की ओर रवाना हुई। जिसके बाद जिस रास्ते में माता रानी के खप्पर लेकर महिलाएं और पुरुषों की ये टोली गुजरी, वहां क्षेत्र भक्तिमय हो गया। वारी लेकर जा रही टोली के साथ साथ ढोलक और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के माध्यम से माता रानी के भजनों के जयकारे भी लग रहे थे। साथ ही जहां से यह टोली गुजर रही थी उस जगह के लोगों द्वारा भी रतनगढ़ माता के जयकारों से वह क्षेत्र भी गूंज रहा था। दरअसल आपको बता दें कि पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा से रतनगढ़ माता मंदिर करीब 2 वर्षों से बारी ले जाने का सिलसिला यूं ही जारी है और यहां तीसरी बार रतनगढ़ माता मंदिर के 51 खप्पर महिलाएं अपने सर पर लेकर चल रही थी, जहां महिलाओं पुरुषों की टोली विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से माता रानी के भजनों से ग्रामीण इलाकों से लेकर निकलने वाले रास्ते सुर मधुर भजनों की धुन में गूंज रहे थे। साथ ही क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो रहा था। उक्त टोली लेकर जा रहे भक्तों के मुताबिक ऐसे कार्यक्रम अक्सर क्षेत्र में होते रहते, जिससे कि लोगों के मन की धारणा बदलती है और भगवान के प्रति आस्था जगती है और लोगों का मन एक अच्छी सोच की ओर अग्रसित होता है।